जोहार, आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। मैं हूं दानियल मुर्मू और इस समय हम आए हुए हैं जुरुलिया के सेंट जेवियर्स स्कूल में, और यहां पर स्कूल में बच्चों का एग्जीबिशन लगा हुआ है। और हम इस समय स्कूल के जो प्रिंसिपल है फादर थॉमस, उनसे हम बात कर रहे हैं। और थैंक यू फादर। सो हम जानना चाहते हैं कि जो आज एग्जीबिशन लगा है स्कूल में, आपके स्कूल में, उसका पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस है, इस क्षेत्र के जितना भी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं या सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वो बच्चे हैं या प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, उन सबों को हम लोग साइंस एग्जिबिशन रख के यही सिखाना चाहते हैं। हमारा एनवायरमेंट जो पोल्यूशन होता है, वाटर सेविंग, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, उसके बारे में बताना चाहते हैं। और अधिकतर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो बोलते हैं, जो हम लोगों के पास है उसी से हम लोग बहुत सारा चीज हम लोग कर सकते हैं। तो उसी चीज को मुद्दा को रख के हम लोग छोटा बच्चा लेके प्राइमरी तक या क्लास 8 तक बच्चों के लिए हम लोग एग्जिबिशन रखे हैं। बहुत सारे बच्चे लोग आए हुए थे, गार्जियन लोग भी आए हुए थे, सब देख के छोटे छोटे बच्चे लोगों का काम देख के आश्रित हुए हैं। इससे बहुत खुशी से वो लोग गए हैं, हमको भी बहुत अच्छा लगा। बच्चा लोगों को कितना क्रिएटिविटी जो अंदर में है उससे हम लोग इस तरह का प्रोग्राम रख के बाहर निकाल के उन लोगों को एक्टिविटी रूप से हम लोग सिखा सकते हैं, ना केवल पुस्तक से सिखाना, बट एक्टिविटी के साथ जब वो लोग सीखता है वो अपना मन में रहता है और उस जीवन पर वो साथ में रहता है। इसलिए हम लोग इस एग्जीबिशन को कंपलसरी करके सारा बच्चा लोगों का फायदा के लिए हम लोग बनाए। तो ये जो प्रोग्राम आपने कहा, ये आपका पहला प्रोग्राम है स्कूल के स्तर पर? ये दूसरा प्रोग्राम है, ये सेकंड, और आगे भी ऐसा चलता रहेगा? चलते रहेगा, जरूर। तो इसमें जो कंट्रीब्यूशंस जो है, सोशल कंट्रीब्यूशंस या पेरेंट्स की तरफ से भी कोई कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें? या अधिकतर गार्जियन लोग तरफ से, बच्चों लोग अपने से पैसा सब कलेक्शन करके उसको किया, और इस करने का मतलब ये था वो एक साथ मिलके 10 जन एक साथ मिलके एक टीम बना के एक दूसरों से मिलके किस तरह को वो काम निकालता, वो टीम बिल्डिंग बोलते हैं उसको, उसी चीज को हम लोग इसमें सिखाते हैं। नहीं, बहुत जरूरी है आज के टाइम में एजुकेशन के स्तर को आगे ले जाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी जरूरी है, बच्चे अनुभव करें, सीखे। और हमने जो इनका प्रयास है इससे हम इस पर जान रहे हैं कि आने वाले समय में झारखंड का एजुकेशन स्तर को जिस तरह से जेवियर्स स्कूल लेके जा रहे हैं, और इससे दूसरे स्कूल भी कुछ सीखेंगे और अपने स्कूल में इस तरह का कार्यक्रम करने के द्वारा बच्चों का जो मॉरल एजुकेशन है वो ज़्यादा डेवलपमेंट होंगे। जो बुक्स से जो पढ़ते हैं वो तो है ही है, साथ ही जो फादर ने बताया है कि यहाँ पे ग्रुप बिल्डअप करके आपस में कंट्रीब्यूशन करके जो बच्चे लोग जो है अपना प्रोजेक्ट को तैयार किया, और ये बहुत सराहनीय बात है। तो मैं और भी जानना चाहता हूँ कि आपको जो जिस तरह से मैंने पूछा कि सोशल और पेरेंट्स की तरफ से जो योगदान मिला, और आगे किन किन लोगों के माध्यम से आपको योगदान मिला है? ये प्रोग्राम आज इतना सक्सेस होने के कारण हमारे टीचर लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण समय वो लोग दिए हैं और उन लोग का मेहनत, ये जो इनोवेटिव क्रिएटिविटी जो बोलते हैं, आज का दिन में सोशल मीडिया बहुत ये हो गया है, फिर भी टीचर लोगों का सहायता से आज बच्चा लोग एकत्र होके इस प्रोग्राम को सक्सेस किए। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका एडमिशन, आइए हम दिखाएं। व्हाट इज दिस? इज अ हाइड्रोलिक पावर है ये, जो क्या बोलते हैं, फैक्ट्री सब में यूज किया जाता है, भारी चीज को उठाने के लिए वो यूज होता है इसमें। कैसे? इट्स जब मिट्टी सब गिराते हैं ना ट्रैक्टर तरफ से, क्या क्या यूज हुआ है? वाटर सिरिंज और एक स्लाइन पाइप। वाटर सिरिंज और एक स्लाइन पाइप। माय नेम इज वेस मरांडी। व्हिच क्लास? क्लास 7। माय नेम इज नायर मुर्मू। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज बलंता सोरेन। व्हाट इज दिस? दिस इज केमिकल प्रोसेस, दिस इज फ्रेश वाटर। इन फ्रेश वाटर द एग इज सिंकिंग बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द एग इज मोर, एंड दिस इज सॉल्टी वाटर। The egg is floating because the density of the water. Tell me about which class you?
Class 7. We are studying class 7. Okay. Tell me about your name. My name is Neetu Soren. My name is Mamta Hasda. And my name is Sehla Nigar. So, can you tell me about what you make this? This is tenses. Tenses has three parts: present, past, and future. Present means what? Habited action and states. So tell me about it. What is this? Hello. Can you tell me about your name? My name is Durva Mandal. My name is Subhasri Sadhu. Okay. So what you make this one? This is human brain. This help us to think. There are three part of human brain. Forebrain, midbrain and hindbrain. Forebrain contains two part. Which one? This is forebrain. These are the two part of forebrain. This is frontal lobe and this is partial lobe. It help us to think and to do all the voluntary action. This is partial brain. It help us to feel the cold, heat and the pain. These two are the part of midbrain. This is temporal lobe and this is optical lobe. This is the seat of knowledge. I am seeing you today. If I will see you tomorrow, I will recognize you if it will be there. And if it will not there, I can't recognize you. This is temporal brain. This helps us to manage our emotions. Like we cry, we feel happy. This is controlling that. This is cerebellum. This helps us to maintain our body balance. This is brain stem. It controls all the vital function of our life, like consciousness, heart rate, blood pressure, and sleep. Thank you. Can you tell me about your name? My name is Devjyoti Nandi. My name is Suresh Marandi. My name is Dhoniram Murmu. Can you tell me about the nerve cells? Yes, sir. Nerve cell is a cell. Or you can also say it neuron. It is present in our brain and spinal cord. Basically, when brain share any messages to our body parts to react, it helps to share the messages in our body parts. And it sometimes also controls our body parts. Here are the name cells. You can like this. Tell me about. Sir, here is nucleus, sir. It is nucleus, black one. It is dendrite, sir. And the yellow part you are seeing, sir, it is soma, sir. Cell body, sir. And sir, the four numbers, sir, million cells, sir. This red one you can see, sir. Million cells. And sir, axon are the, sir, this one, sir. Yellow, sir. This. Yeah. Here yellow. This one is axon. And sir, this one is sacrum, sir. It one, this one, sir. Yes, sir. Yellow part, sir. And sir, the 7 number is axon terminal button. Which one is last one, sir? They are not same. My name is Jalia Semram. My name is Sahil Murmu. My name is Christopher Murmu. Okay. What is the digestion system? It digests our food. It starts from here mouth, then it goes esophagus, then it goes stomach. Food mixed with gastric juice, then it goes here to your small intestine. Then which waste, then it goes here large intestine, then it's passed through the anus. It is a liver, it's produced. Mera naam hai Ranjita Marandi. Achha, to ye viram chin kya hai? विराम चिन्ह है जो हम लोग मीन्स बहुत निम्नलिखित है. ये बहुत कुछ है तो हम लोग इसको दर्शाए हैं. कैसे कैसे जरा दिखाओ. ये है पूर्ण विराम. पूर्ण विराम जब वाक्य लिखते हैं वो वाक्य लिखने के बाद समाप्त हो जाता है ताकि समझने के लिए हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं. इसके बाद ये प्रश्न सूचक. प्रश्न सूचक मीन्स जब हम लोग क्वेश्चन या क्वेश्चन लिखते हैं या पूछते हैं तो ये चीज हम लोग लगाते हैं उसके अंत में. अच्छा. और कुछ? ये क्या है? मशरूम का? मशरूम है. अच्छा, क्या नाम है आपका? मनीषा मुर्मू. अच्छा, आपका? मेरा नाम है वर्षा मरांडी. अच्छा, ये मशरूम कहाँ होता है? ये मशरूम जंगल और झाड़ी जगह में उगता है. अच्छा, इसका क्या फायदा है? इसका फायदा है कि जो हम लोग खाते हैं, जो खाने का लायक होता है वो हम लोग खाते हैं, और जो खाने का लायक नहीं होता है वो हम लोग नहीं खाते हैं. फायदा क्या उसे खाने से? क्या फायदा? इससे विटामिन ई मिलता है. अपना हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड ट्रामा केयर, 0 पॉइंट साहेबगंज रोड, गोविंदपुर, धनबाद, झारखंड. विश्वास खान बढ़ती झारखंड रिया
मौजखन मौज हॉस्पिटल अपना हॉस्पिटल सीता अयुब डॉक्टर रिया नपाय व्यवस्था मिना साउते आईसीयू एनआईसीयू लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ऑपरेशन थिएटर आधुनिक पैथोलॉजी फिजियोथेरेपी न्यूरोलॉजी रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड डिजिटल एक्सरे बाले गिद्रे रुव हसु आर डेलीवरी दीदी तकवा रुव हसु रिया मौज खन मौज इलाज एसीएफएम रेन भगी खन भगी डॉक्टर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आर एन भट्टाचार्य साउते उनीरे नपाय टीम 24 घंटा अबुआ सेवा रे ठिकाना दो हुयु कना अपना हॉस्पिटल 0. साहेबगंज रोड गोविंदपुर धनबाद मोबाइल नंबर दो हुयु कना जोगाजोग लगित 9570894444